हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपकी डेट 5 जुलाई की है। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर आपका नेम ऑफ द क्लास टीचर, डिवीजन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का हमें क्या करना है, रिविजन करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। Dear student, hope you and your family are keeping well. Today we will recall the four major mathematical operation, यानी कि चार operation, addition, subtraction, multiplication and division and sum of integers। ये आपको देखना है, practice करनी है, ये आप सब सीख चुके हैं। Let's try। यहाँ पर देखिए 258 plus 642 तो आपका कितना हो जाएगा 900। फिर है आपका 270 minus 114 is equal to 156, यानी कि 270 में से 114 को माइनस करेंगे तो 156 आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या ऐड करें 589 में कि हमें 780 मिले, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 191। अब इसको कैसे निकाला, 780 में से 589 को माइनस करके। ठीक है, यहाँ पे 4790 में क्या ऐड करें कि हमें सेम वही नंबर मिले, सेम वही नंबर मिलने के लिए हमें ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। फिर आपका 509 में 1254 को ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिएगा, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो ये देखिए 9 और 4 कितना हो गया 13, 1 कैरी, तो ये हो गया 671763 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 1010 को ऐड करेंगे, बहुत इजी है, ये सब आप खुद कर सकते हैं, 2020 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम किस नंबर में से 876 को माइनस करें कि 463 आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 1339 में से 876 को मैं माइनस करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 463 मिलेगा। सेकंड देखिए, सेकंड में ऐड करना है, देखिए इंटीजर में ऐड और माइनस का कोई वो नहीं होता लेना देना, आपको बस साइन देखना है। यहाँ पे देखिए माइनस 120 और प्लस 250 को ऐड किया, 130 आ गया। यहाँ पे दो साइन जब एक साथ होते हैं तो हमें एक साइन बनाना होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 35 माइनस 57, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो माइनस 22। ठीक है, फिर आपका 46, यहाँ देखिए 46 हो गया, ये माइनस 31 हो गया, माइनस 29 हो गया। आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर 46 में से माइनस करेंगे, तो 46 माइनस 60, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, माइनस कर दीजिए 4 हो गया। ठीक है, 14 माइनस 14 आपका आंसर आ जाएगा। फिर है आपका माइनस 57 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 57 माइनस 46, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपका 103 माइनस 103 आपका आंसर आ जाएगा। फिर है यहाँ देखिए, इन दोनों को ऐड किया प्लस क्या ऐड करूँ कि 455 मिले, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे ये हो नहीं सकता कि यहाँ पे आपका 455 आए, तो यहाँ पे देखिए 267 और 546 को जब हम ऐड करेंगे तो 813 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 813। अब हम इसमें क्या ऐड करें कि मुझे 445 मिले, तो मैं यहाँ पे माइनस 368 ऐड करती हूँ, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, 445 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 माइनस 23, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 3 आ गया। अब है माइनस 239 माइनस 138, दोनों माइनस के तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 377 माइनस का आएगा। माइनस 26 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9। मैं भी आपको आंसर अच्छे से दिखा दूँगी। ठीक है, तो ये इसके बाद यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर 56 में से माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 17। यहाँ पे भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 45 में से 45 माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 81। फिर लिखा हुआ है लेट सॉल्व, ऐड 205,910,301, तो इसको ऐड करना है, तो ये आपका यहाँ पे बनेगा 2,59,5,900 प्लस 1,301, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 216,201 आएगा। सेकंड है 9,750,8,520,
तो इसमें देखिए ऐड करना है, इसमें आपको 900750 में ऐड करना है 8520, तो आपका आंसर आ जाएगा 909270। सेम ऐसे ही है, सब्ट्रैक्ट 20,500 फ्रॉम 1,00,000, 1,00,000 में से करना है, तो 1,00,000 लिख लेंगे हम पहले, ठीक है। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 20,500 को माइनस करना है, तो आप माइनस करेंगे तो 79,500 आपका आंसर आ जाएगा। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत इजी है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में 23400 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 234 तीन बार ज़ीरो, 45 को 45 से करेंगे तो 2025 आएगा। यहाँ देखिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 12110। ज़ीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो आता है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19269415। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46131270। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5050505050। यहाँ देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे 265 × 186 है, तो 186 × 265 हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका डिवाइड, डिवाइड करना है, ये बहुत इजी है, डिवाइड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इनके आंसर एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये उनके आंसर हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया है, एक रह गया है नंबर, कोई एक क्वेश्चन, वो मैंने आपको अभी समझा दिया था, ठीक है। यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं आराम से, यहाँ लिख लीजिएगा, ये माइनस करके आएगा 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, -14 आंसर आएगा, यहाँ आपका ये -103 है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया था वही सब है, यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं, ये पूरा मैंने लिखा हुआ है, हर ये सॉल्व करने वाला भी लिखा हुआ है, करके दिखाया है, ये मल्टीप्लिकेशन है आपका और ये डिवीज़न है, तो मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखा रखा है, तो आप यहाँ से डिवीज़न देख लीजिएगा। डिवाइड करना आपको आता है, ये आप 8th क्लास में हैं तो ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ईजी है, ये यहाँ पर ये इतना है, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।